हमारे ऑनलाइन क्लास फ्रेंड्स, इसके पहले वीडियो में हमने आप लोगों को वॉइस पढ़ाया, जिसमें वॉइस के प्रकार भी बताया कि वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। और ये भी बताया कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में किस प्रकार से हम चेंज करते हैं, तो उनके रूल भी आप लोगों को बताए। जिन बच्चों ने ये वीडियो देखा है तो उन्हें तो ये रूल समझ में आ गए होंगे, लेकिन जिन बच्चों ने मेरे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा तो मैं उनसे यही कहूँगा कि वो पहले वाला वीडियो देखें, तभी उनको ये वाला वीडियो समझ में आएगा, क्योंकि आज मैं उससे आगे आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट रूल बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए आज हम वॉइस पर आगे डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट रूल देखते हैं फ्रेंड्स। कल हमने आप लोगों को बताया था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। तो जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो उसके पहले हम बाय का यूज करते थे, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे रूल बता रहे हैं जिनमें हमें बाय के स्थान पर कुछ अन्य प्रपोजिशन का हम यूज करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कुछ वर्ब जैसे सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, Disappointed, distressed, displeased and alarmed, etc. इनमें से कोई भी वर्ब हो तो हम इनका पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट के पहले हम वाई का यूज नहीं करते, बल्कि हम इसमें एट का यूज करते। जैसे एग्जाम्पल देते हैं फ्रेंड्स, His defeat distressed me, लिखा हुआ है ना, तो ये आ गया distressed। तो अब आपको यहां पे ऑब्जेक्ट के पहले why का यूज नहीं करना है, यूज करना है आपको at का। तो हम इसको सब्जेक्ट में चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा आई। फास्ट में है तो यहां पर आ जाएगा आपका was, verb की थर्ड फॉर्म लिख दीजिएगा distressed, तो ये हो गया distressed। डिस्ट्रेस्ड के बाद अब आपको मैंने कहा है कि हिज डिफीट, ये आपका सब्जेक्ट है, पीछे ऑब्जेक्ट में जा रहा है, तो यहां पर किसका यूज कर देंगे आप, एट, एट, और आप लिख देंगे हिज डिफीट। नंबर समझ में आया। सेकेंड एग्जाम्पल है योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी, इसमें भी आपने देखा एक वर्ड आया है सरप्राइज्ड, तो इसको हम चेंज करें। तो अगर हम इसको चेंज करते हैं तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, आई सरप्राइज्ड है तो आई वॉज, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिएगा सरप्राइज्ड। सरप्राइज्ड के बाद योर इंटेलिजेंस सब्जेक्ट है तो पीछे ऑब्जेक्ट में जाएगा, तो इसके पहले आप उसका यूज कर देंगे एट और आ जाएगा आपका योर इंटेलिजेंस। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट रूल, कुछ वर्ब जैसे प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, चार्म एंड डिस्गस्टिंग का यदि यूज होता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय इसमें वाई के स्थान पर हमें विद का यूज करना है। फ्रेंड्स किसका यूज करेंगे हम, विद का यूज करेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं, माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम, तो हिम हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना लीजिएगा ही। पास्ट में है तो आ जाएगा वॉज, ही वॉज, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिएगा प्लीज्ड, प्लीज्ड। अब है माई बिहेवियर, तो इसको इस तरफ ले जाएंगे तो माई बिहेवियर को, तो यहां पर सबसे पहले क्या लगाएंगे विथ और फिर लिखेंगे आप माई बिहेवियर। ओके फ्रेंड्स, आया समझ में। सेकंड है योर वर्क सेटिस्फाइज द ऑफिसर्स, हमारा ऑब्जेक्ट है द ऑफिसर्स, तो द ऑफिसर्स आपने देखा प्रेजेंट में है तो यहां पर आ जाएगा आर, वर्क की थर्ड फॉर्म लगा दीजिएगा सेटिस्फाइड, सब्जेक्ट है योर वर्क, यहां जाएगा तो हो जाएगा विद योर वर्क। नेक्स्ट रूल, यदि एक्टिव वॉइस में नॉन और ऑब्लाइक वर्ब का प्रयोग होता है
तो पैसिव वॉइस बनाते समय वाई के स्थान पर हम टू का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, एवरीबडी नोज गांधी जी, तुम्हारा सेंटेंस बनेगा पैसिव वॉइस में, गांधी जी इज नोज, थर्ड फॉर्म लगा दीजिएगा नॉन टू एवरीबडी, ओके। तो नेक्स्ट रूल में फ्रेंड्स, यदि एक्टिव वॉइस में कंटेन व इंटरेस्टेड वर्ब्स का प्रयोग हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट के पहले बाय के स्थान पर इन का प्रयोग करते हैं, जैसे दिस बुक इंटरेस्ट्स मी, तो यहां पर आई को हम पहले ले आएंगे तो ये हो जाएगा आई, प्रेजेंट में है तो हो जाएगा आई एम, थर्ड फॉर्म लगा दीजिएगा इंटरेस्टेड, दिस बुक तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे इन, दिस बुक इसके बाद मेरा जो लास्ट रूल है उसको आप ध्यान से सुने, कभी कभी पैसिव वॉइस में वर्ग करने वाला जो डोर होता है अर्थात सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, उसका यूज नहीं होता है क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, जैसे समवन हैज स्टोलन माय पेन, हैज स्टोलन माय पेन, तो इस सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट समवन है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हमारा जो पैसिव वॉइस बनेगा वो बनेगा माय पेन हैज बीन स्टोलन, कंफर्म माय पेन हैज बीन स्टोलन। तो ये हमारे कुछ रूल थे पैसिव वॉइस थे जो हमने आज आप लोगों को समझा दिए। फ्रेंड्स, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के जो सिंपल रूल थे वो मैंने इस वीडियो में भी आप लोगों को बता दिए हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें और उन रूल्स को लर्न करें, और मैंने जो एक्सरसाइज दी है उस एक्सरसाइज को सेल्फ बनाने की आप लोग कोशिश करें।